हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपका चैप्टर 7 गिफ्ट, चैप्टर 8 ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम यानी अनुयोज्य दावा का अंतरण। आज का जो हमारा वीडियो है यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का लास्ट वीडियो है। इसके बाद अब जो वीडियो नेक्स्ट आएगा कोई एक नए टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक संपत्ति अंतरण अधिनियम का यही समाप्त होगा। ठीक, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मैं एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूं इस टॉपिक संपत्ति अंतरण अधिनियम के ऊपर एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, पीडीएफ रेडी हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन का जो पहला कमेंट है वहां पे आपका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाके ले सकते हैं। इस पे मैंने जो शॉर्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सेक्शन है, धाराएं हैं, उसे शॉर्ट करके कंपाइल करके एक लिख के रखा है एक क्विक रिवीजन के लिए। साथ ही साथ जो बाद में थोड़ा डिस्क्राइब्ड पैटर्न में डिटेल में जो एक्चुअली जो लॉ के लैंग्वेज है या जो आपकी कानूनी भाषा है उसमें जो आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो अलग अलग सेक्शन अलग अलग धाराएं जो दी गई है उसे मैंने डिस्क्राइब्ड पैटर्न में लिखा है। हमने एकदम इजी लैंग्वेज में इन चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन जो पीडीएफ है पीडीएफ में जितने भी सेक्शन दिए गए हैं वो आपकी कानूनी भाषा पे थोड़े टफ है। तो आप जब कभी भी इस पीडीएफ से पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद ही किसी धारा को पढ़िएगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। साथ ही साथ इस पीडीएफ में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर कुछ क्वेश्चन का सेट उसमें दिया गया है ताकि आप ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसे प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो जिस किसी को भी चाहिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है चैप्टर 7 अध्याय 7 गिफ्ट, गिफ्ट यानी दान। ये कवर करता है आपका सेक्शन 122 से 129, धारा 122 से लेकर 129 तक के धारा में आपके दान के बारे में बताया गया है। देखिए ये लागू किस पर होता है, ये लागू होता है आपके चल और अचल संपत्ति दोनों पर लागू होता है। जो आपका दान है, दान चल संपत्ति का भी दान दिया जा सकता है, अचल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को भी आप एज अ गिफ्ट दे सकते हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, इसमें जो ट्रांसफर होता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होता है। जो आपके गिफ्ट में आपका ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होता है। हमने अभी तक ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप तीन केस में पढ़ा है, एक है आपका सेल के केस में भी आप ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप करते हैं, दूसरा है आपका एक्सचेंज में भी आप ट्रांसफर ऑफ म्यूचुअली ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हमने पढ़ा है, और तीसरा है आपका गिफ्ट में भी आपका ऑनरशिप यानी स्वामित्व का अंतरण हो रहा है। ठीक, चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण गिफ्ट में भी होता है। देखिए लेकिन ये जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है किस प्रकार का स्वामित्व का अंतरण होता है, फर्स्ट है आपका वॉलंटियरली मतलब स्वेच्छा से अपनी इच्छा से आप दान दे रहे हैं। चल ये अचल संपत्ति का आप जो दान दे रहे हैं अपनी इच्छा से वॉलंटियरली यानी स्वेच्छा से दे रहे हैं, और दूसरा विथाउट कंसिडरेशन मतलब बिना किसी प्रतिफल के यानी दान के एवज में आप उससे किसी प्रकार का धन या कुछ डिमांड नहीं रख सकते। आप किसी को दान देते हैं तो दान के बदले में आप कुछ लेते हैं क्या, अगर कुछ लेंगे तो वो सेल कहलाएगा। ठीक है, तो दान क्या है, गिफ्ट क्या है, ये है आपका ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप वॉलंटियरली विथाउट एनी कंसिडरेशन यानी चल और अचल संपत्तियों के स्वामित्व का अंतरण जो स्वेच्छा से किया गया हो और बिना किसी प्रतिफल के किया गया हो दान कहलाता है। ये डेफिनेशन किस में दिया गया है, ये डेफिनेशन दिया गया है आपका सेक्शन 122 में। ये सारे डेफिनेशन दिया गया है कि चल और अचल संपत्ति ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑनरशिप वॉलंटियरली विथाउट कंसिडरेशन। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब इसमें एसेंशियल क्या क्या है, एसेंशियल एक डोनर होना चाहिए यानी एक दाता होना चाहिए, एक डोनी होना चाहिए, एक अदाता होना चाहिए और एक आपका प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसे दान किया जाना है। तो देखिए डोनर यानी दाता जो अपनी प्रॉपर्टी दान में दे रहा है, गिफ्ट के तौर पे दे रहा है, तो जो आपका डोनर है डोनर का कंपटेंट होना चाहिए। कंपटेंट इन द सेंस सक्षम कैसे होगा, वो या तो एक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो या मेजर हो। ठीक, दूसरा है आपका साउंड माइंड का हो, साउंड माइंड इन द सेंस जो हमने पढ़ा था पागल नहीं होना चाहिए, मंदबुद्धि नहीं होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट किसी को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक, डोनी अदाता मतलब जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, जिसे प्रॉपर्टी दान में दी जा रही है, इसमें मेंशन है अलाइव। पहली बात तो ये जो अदाता है वो जीवित होना चाहिए,
जिस किसी को भी आप प्रॉपर्टी दान में दे रहे हैं वो जिंदा होना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि कई बार फ्रॉड के तौर पर किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम पर ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इसमें अलग से मेंशन किया गया है कि जो आपका अदाता है, अदाता आपका जीवित होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा माइनर भले हो सकता है, ठीक है, जो जिसके नाम है प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं या जिसे आप प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट दे रहे हैं वो माइनर हो सकता है, लेकिन जो आपका दाता है या जो डोनर है वो आपका 18 वर्ष का होना चाहिए, ठीक। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, अलाइव, मतलब एक अजन्मे बच्चे के नाम पर भी आप प्रॉपर्टी को गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक। अब देखिए किस प्रकार की प्रॉपर्टी इसमें ट्रांसफर की जाएगी, किस प्रकार की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी, प्रेजेंट एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी मतलब जो वर्तमान में एग्जिस्ट हो, यानी जो वर्तमान में अस्तित्व में है, जो प्रॉपर्टी वर्तमान में मौजूद है केवल उसी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं एज अ गिफ्ट, ठीक है। देखिए सेक्शन 124 धारा 124 में, देखिए सेक्शन आगे पीछे हो रहा है, अभी इधर से लाइन से चालू हो जाएगा, लेकिन मैंने इसे एसेंशियल में लिखा है। तो जो प्रॉपर्टी वर्तमान में मौजूद है, एग्जिस्ट है, उसे ही आप एज अ गिफ्ट किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो, जैसे कि आपके पास एक जमीन खाली पड़ी हुई है, उसमें मैं भविष्य में कोई एक मकान बनाऊंगा जिसे तुम्हें एक गिफ्ट के तौर पर दूंगा। तो फ्यूचर में अगर कोई ऐसी प्लानिंग है या फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी आप बनाने वाले हैं और उसे गिफ्ट देने की बात कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से वॉइड या शून्य कहलाएगा, ठीक है। जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, जो अस्तित्व में जो प्रॉपर्टी मौजूद है अभी एट प्रेजेंट, केवल वही प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। ये मेंशन है आपका धारा 124 में, ठीक। देखिए इसके बाद आता है आपका धारा 123। धारा 123 जो प्रॉपर्टी, हम मूवेबल प्रॉपर्टी को भी आपका एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी हम एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। तो देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कब कहलाएगा कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे एज अ गिफ्ट ट्रांसफर कर दी गई है, कब कहलाएगा, बाय डिलीवरी, यानी जब वो डोनी को जब वो डिलीवर हो जाएगी, या डोनी यानी जो आपका अदाता है उसे जब वह अपने कब्जे में ले लेगा, डिलीवर कर लेगा या कब्जे में ले लेगा, तब ये कहलाएगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और दो विटनेस का सिग्नेचर होना चाहिए। हम पहले पढ़ चुके हैं रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और टू विटनेसेस क्या होते हैं, ये हम काफ़ी स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इसके अलावा दो विटनेसेस के आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक। देखिए सेक्शन 125 गिफ्ट टू सेवरल, मतलब आप अपनी एक प्रॉपर्टी को बहुत लोगों को दान कर रहे हैं, तो उस केस के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए आप दो तरीके से अपने प्रॉपर्टी को गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं, ज्वाइंटली और कॉमनली। ये होता क्या है समझिएगा, मान लीजिए ए के पास ये प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ए के पास, वो उसे गिफ्ट करता है बी सी और डी को, बी सी और डी को जो ए है अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, लेकिन वो मेंशन नहीं करता कि बी को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, सी को कितनी मिलेगी और डी को कितनी मिलेगी। ज्वाइंटली वो ट्रांसफर कर दे रहा है, मतलब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसे मैं बी सी और डी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब उसे एज अ गिफ्ट ट्रांसफर कर रहा हूँ। लेकिन बी सी और डी में मान लीजिए बी ने एक्सेप्ट कर लिया, सी ने एक्सेप्ट कर लिया और डी ने लेने से मना कर दिया, ठीक, बी और सी ने एक्सेप्ट कर लिया और डी ने लेने से मना किया, तो ये जो ट्रांसफर है ये ट्रांसफर पूरी तरीके से वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर इन तीनों में से किसी एक ने भी अगर लेने से मना किया तो ये जो ट्रांसफर है वहीं पे वॉइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ज्वाइंटली ट्रांसफर हो रहा है, इसमें किसी को भी स्पेसिफाई करके नहीं दिया जा रहा है कि बी को इतना परसेंट मिलेगा, सी को इतना मिलेगा, डी को इतना मिलेगा। ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी दे दी जो कि ज्वाइंटली बी और सी और डी के नाम पर ट्रांसफर हो रही है या उन्हें गिफ्ट के तौर पर मिल रही है, लेकिन बी सी और डी में किसी एक ने भी मना कर दिया तो जो आपका ट्रांसफर है वहीं पर वॉइड या शून्य हो जाएगा, ठीक। कॉमनली मान लीजिए अब इसमें क्या है, ए के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, अब उसने मेंशन कर दिया कि अपनी प्रॉपर्टी का 33% हिस्सा मैं बी को दूंगा, सी को दूंगा 33% हिस्सा और डी को दूंगा 33% हिस्सा, यानी उसने स्पेसिफाई करके बताया कि मेरी प्रॉपर्टी का इतना परसेंट हिस्सा बी को जाएगा, इतना परसेंट हिस्सा सी को जाएगा, इतना परसेंट हिस्सा डी को जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मान लीजिए यदि डी ने लेने से मना कर दिया तो जो प्रॉपर्टी है बी और सी के नाम पर जो स्पेसिफाई किया गया है कि इतनी प्रॉपर्टी बी और सी को एज अ गिफ्ट ट्रांसफर होगी, तो ये प्रॉपर्टी इनके पास जैसे कि वैसी बनी रहेगी, ठीक। यहाँ पे अगर डी लेने से मना कर रहा है तो इसका केवल शून्य होगा,
इसको जो मिलने वाला जो गिफ्ट है वो भले शून्य हो जाएगा, लेकिन इस केस में जो बी और सी को जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हो रही है एज अ गिफ्ट वो बनी रहेगी। ये है आपका ज्वाइंटली और कॉमनली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 126 या धारा 126, गिफ्ट सस्पेंशन यानी दान निलंबन। आप अपने द्वारा दिए गए दान को निलंबित भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। देखिए सस्पेंड किस केस में होगा, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, किसी एक निश्चित घटना के घटित होने के आधार पर ही आपका जो गिफ्ट है वो सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, नॉट डिपेंडिंग ऑन डोनर विल, यानी जो दाता है, ये जो आपका जो सर्टेन इवेंट यानी जो निश्चित घटना घटित होने वाली है वो डोनर यानी दाता जो अपनी प्रॉपर्टी दान में दे रहा है उसके इच्छा शक्ति पर निर्भर न कर रही हो। इसे ध्यान से समझिएगा, डोनर विल इसमें क्या बोल रहा है कि आपके द्वारा दिया गया गिफ्ट सस्पेंड किया जा सकता है किसी एक निश्चित घटना के घटित होने की स्थिति में, लेकिन वो दाता के इच्छा शक्ति पर निर्भर ना कर रही हो, यानी जो सर्टेन इवेंट जो निश्चित घटना घटित होने वाली है वो दाता के इच्छा शक्ति पर निर्भर ना करती हो। इसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ये जो ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की, ठीक है, या बी को गिफ्ट दी, बी को गिफ्ट दी और उसमें उसने एक कंडीशन लगाया कि बी के बाद या बी के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी उसके वारिस को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक। उसने क्या कंडीशन लगाया कि ए के बाद जो बी है, ए ने प्रॉपर्टी गिफ्ट दी बी को और कंडीशन भी लगा दिया कि बी के बाद ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी उसके वारिस को। उसने क्या कहा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी उसके वारिस को, यदि उसका वारिस हुआ तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, यदि इसकी कोई भी वारिस नहीं रहा यानी बी का अगर आगे कोई वारिस नहीं है तो ये जो आपका गिफ्ट है वहीं पे सस्पेंड होकर के ए के पास रिटर्न बैक हो जाएगा। समझिएगा क्या बोल रहा है, ए ने प्रॉपर्टी गिफ्ट करी बी को एक कंडीशन के साथ कि बी के पश्चात इसकी प्रॉपर्टी यदि उसका कोई वारिस हुआ तो उसके वारिस को ट्रांसफर हो जाएगा, यदि बी का इन फ्यूचर कोई वारिस नहीं है तो ये जो प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट दी गई है तो गिफ्ट वहीं पर सस्पेंड हो जाएगा और ये प्रॉपर्टी रिटर्न बैक हो जाएगी किसको, ए को, ठीक। तो बी के वारिस होने या ना होने पर ये जो डोनर यानी ए की कोई इच्छा शक्ति है क्या, या ए किसी प्रकार से इसे अपनी इच्छा के अनुसार उसके वारिस होने के कंडीशन को हैंडल कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो यही बोल रहा है, ये आपके डोनर के इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करना चाहिए, और अगर कोई सर्टेन इवेंट घटित होता है तो उस कंडीशन पर ही आप अपने गिफ्ट को सस्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक खाली ज़मीन है, उस ज़मीन को मैंने एक ट्रस्ट को गिफ्ट किया कि इस खाली ज़मीन पर आप एक अनाथालय बना दीजिए, ठीक। मैंने अपना जो प्रॉपर्टी है उसे ट्रांसफ़र कर दिया एज अ गिफ्ट एक ट्रस्ट को कि उस खाली ज़मीन पर आप बना दीजिए एक अनाथालय, लेकिन उस ट्रस्ट ने क्या किया, उस खाली ज़मीन पर उसने अनाथालय बनाने के जगह एक उद्योग स्थापित कर दिया। मैंने गिफ्ट देते समय क्या मेंशन किया था कि मेरे प्रॉपर्टी पे मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, क्यों, एक अनाथालय बनाने के लिए, लेकिन ट्रस्ट ने क्या बना दिया, वहाँ पे एक उद्योग स्थापित कर दिया। तो इस केस में भी वहीं पे जो गिफ्ट है सस्पेंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ अनाथालय के लिए, लेकिन उन्होंने उद्योग स्थापित कर दिया तो गिफ्ट सस्पेंड हो जाएगा और मेरे पास रिटर्न बैक आ जाएगा। तो यही है आपका सर्टेन इवेंट, ठीक। सेक्शन नंबर 127 धारा 127, ये डिपेंड है, ये इसमें लिखा गया है आपके ऑनरस गिफ्ट यानी दुर्भर दान, ठीक। टर्म क्या है उसमें मत समझिए, इसमें जो एग्जांपल बता रहा हूँ उसको समझिएगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है और इस 3 प्रॉपर्टी को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ ए को, ठीक। अब मैं एक डीड तैयार करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ कि मैं अपना प्रॉपर्टी 1, 2, 3 को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ए को, किस प्रकार से, सिंगल ट्रांजैक्शन या सिंगल ट्रांसफ़र, एक ही बार में ये तीनों प्रॉपर्टी को एक ही बार में मैं ए को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए ये जो बीच वाली प्रॉपर्टी है ये ऑब्लिगेशन है, बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन है, बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन मतलब दायित्वों का भार है इसके ऊपर, दायित्वों का भार है ये, या तो इसमें एक चार्ज है, हमने सेक्शन 100 पढ़ा था चार्ज क्या होता है। देखिए दायित्वों का भार मतलब मान लीजिए मेरे पास ये जो बीच वाली प्रॉपर्टी है इसमें किराए की दुकान है, उस दुकान से मुझे कुछ किराया मिलता है, उस किराए को मैं अपने माता पिता को एज अ मेंटेनेंस देता हूँ, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र होगी ए को
तो इससे जुड़े हुए जो ऑब्लिगेशन है वो भी ट्रांसफर होगा ए को, यानी जो इसका किराया मैं वसूल कर रहा था और अपने माता पिता को एज अ मेंटेनेंस दे रहा था, वो अब कौन देगा? ए देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी के साथ साथ ये जो ऑब्लिगेशन है वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक, जैसे हमने सेक्शन 100 में क्या पढ़ा था, भाई बहन वाला केस पढ़ा था। बहन हिस्सा लेना नहीं चाहती थी अपने भाई के पास से, लेकिन एक लालच जुड़ा हुआ था, तो दोनों के दोनों एक डील करते हैं कि मैं साल का 50,000 तेरे को दूंगा, यानी उसकी बहन का चार्ज जुड़ गया था उसमें। तो उस केस में भी जो चार्ज है, चार्ज भी ट्रांसफर होगा ए को। ठीक, देखिए हम कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तीनों प्रॉपर्टी को सिंगल ट्रांसफर कर रहा है, एकल अंतरण के द्वारा ट्रांसफर कर रहा है। तो ए के पास दो ऑप्शन है, या तो वो चूज ऑल, सारे के सारे प्रॉपर्टी को एक साथ सेलेक्ट कर सकता है, या डिनाई ऑल, सारे के सारे प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट लेने से मना भी कर सकता है। ठीक, समझिएगा इसे बोलना क्या चाह रहा है, मतलब ए ऐसा नहीं कर सकता या ये नहीं बोल सकता कि मुझे प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 दे दो, और जिसमें बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन है, यानी जो दायित्व से घिरा हुआ है, जो भार से घिरा हुआ है, वो वाले प्रॉपर्टी को मैं नहीं लूंगा, बाकी प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। ऐसा नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है, यहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है सिंगल ट्रांजैक्शन या एकल अंतरण के द्वारा ही तीनों प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है ए को। तो इस केस में ए या तो पूरे के पूरे को एक साथ ले सकता है, या तो पूरे के पूरे को मना कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि किसी एक को लेने के लिए मना करे। ठीक, अब देखिए सेकंड केस भी वही है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी 2 है, प्रॉपर्टी 3 है। अब क्या कर रहा हूं मैं कि तीनों प्रॉपर्टी को सेपरेटली अलग अलग डॉक्यूमेंट बना करके इसे ट्रांसफर कर रहा हूं। इसमें सिंगल ट्रांसफर हो रहा था, इसमें आपका पृथक पृथक अंतरण कर रहा हूं, अलग अलग इसमें अंतरण कर रहा हूं। इसमें भी यदि बीच वाली प्रॉपर्टी ऑब्लिगेशन यानी दायित्वों से घिरा हुआ है, इसमें भार और चार्ज जुड़ा हुआ है, बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन भी है। ठीक, अब मैं ये प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इस केस में बी चाहे तो बोल सकता है कि मुझे प्रॉपर्टी 1 और 3 को एज अ गिफ्ट वो ले सकता है, और इसे लेने के लिए वो मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ट्रांसफर है ये सेपरेटली हो रहा है। ठीक, ये जब सेक्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा एकल अंतरण और पृथक अंतरण, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस केस में मना नहीं कर सकता, इस केस में ऑब्लिगेशन वाली प्रॉपर्टी को लेने के लिए वो मना कर सकता है। देखिए सेक्शन 128 यानी धारा 128, धारा 128 में आपके यूनिवर्सल डोनी यानी सर्वस्व अदाता के बारे में बताया गया है। ये जो सर्वस्व अदाता का जो कॉन्सेप्ट है ये भी लगभग आपके सेक्शन 127 के समान ही है। देखिए ए के पास एक प्रॉपर्टी है जो वो ट्रांसफर करना चाहता है आपके बी को, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आपके बहुत सारे लाइबिलिटीज और लोन, ठीक, लाइबिलिटीज मतलब बहुत सारे दायित्व देनदारियां, लोन मतलब उधार और ऋण से घिरा हुआ है। तो जो ए है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है बी को, तो देखिए ए जब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा बी को और वो ऑलरेडी आपके बहुत सारे लाइबिलिटीज और उधार से घिरा हुआ है, तो ये जो इससे जुड़ी हुई जितनी भी लोन है, ये जितनी भी ऋण है, वो भी अब ट्रांसफर हो जाएगी आपके बी को। यानी ए बी को एज अ गिफ्ट अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और बोलता है कि मेरे ऊपर जितनी भी उधारी है उसे, मतलब मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर जितनी भी उधारी है उसे तुम चुका लेना, मतलब मैं तुम्हें फ्री में एक जमीन दे रहा हूं, उस जमीन के बदले मेरे ऊपर जितनी भी उधारी है या मेरे जमीन के ऊपर जितनी भी उधार है उसे तुम चुका लेना। जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास एक जमीन है जिसे आपने गारंटी के तौर पर, जैसे मॉर्गेज हमने पढ़ा था, गारंटी के तौर पर उसे एक सिक्योरिटी के तौर पर आपने दिखा करके लोन लिया है, तो सिक्योरिटी में आपने क्या रखा है, जमीन को रखा है। अब उस जमीन को आप दान दे रहे हैं ये बी को, तो बी क्या करेगा, अब उस जमीन को जो सिक्योरिटी के तौर पर आपने डिपॉजिट करके जो लोन लिया था, तो वो ऋण को आप चुकाएगा बी। ठीक, तो यही ये बोल रहा है कि उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई जितनी भी लाइबिलिटीज और लोन है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी बी को। ठीक, देखिए तो यही है आपका यूनिवर्सल डोनर का कॉन्सेप्ट। अब ये है आपका सेक्शन 129 यानी धारा 129, इसमें दिया गया है आपका मॉर्टिस कॉसा गिफ्ट और मोहम्मदन लॉ। देखिए मॉर्टिस कॉसा गिफ्ट और मोहम्मदन लॉ, हमने क्या पढ़ा है सेक्शन 123 में कि जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक तो या तो बाय डिलीवरी हो जाएगा और दूसरा आपका रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और दो विटनेस होना चाहिए। लेकिन मॉर्टिस कॉसा गिफ्ट मतलब कोई व्यक्ति मरणासन मुद्रा में है, यानी बहुत बुजुर्ग हो चुका है, बिस्तर से उठने के लायक नहीं है, यानी आज नहीं तो कल वो मरने ही वाला है, तो वो केवल मौखिक तौर पर बोल करके ही अपने प्रॉपर्टी को एज अ गिफ्ट किसी को ट्रांसफर कर सकता है। उसमें जो आपका अध्याय 7 के गिफ्ट के कोई भी प्रावधान उस केस में आपके लागू नहीं होंगे। दूसरा मोहम्मदन लॉ यानी मुस्लिम विधि, आप सभी को मालूम होगा कि जो मुस्लिम विधि है उसका एक सेपरेट
कानून चलता है, एक सेपरेट उनका एक अलग से लॉ है। ठीक, तो देखिए ये जो जैसे आपकी जो मुस्लिम विधि में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है हिबा का कॉन्सेप्ट। हिबा का कॉन्सेप्ट मतलब आप देखे होंगे जैसे जो मुस्लिम मैरिजेस होते हैं, जो आपके जो मुसलमानों में जो आपकी शादियाँ होती है उसमें क्या होता है, जैसे हमारे में तो बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, कई बार कोर्ट में भी हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों में क्या होता है, लड़के लड़के सामने बैठे रहते हैं, उसमें बस कबूल है कबूल है कबूल है, शादी हो जाती है। तो वैसे ही एक हिबा का कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए मैं मुस्लिम हूँ और मैं किसी को अपनी प्रॉपर्टी देने दान में देने के लिए जा रहा हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति मैं इस प्रॉपर्टी को कबूल करता हूँ ऐसा अगर बोल दिया तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है एज अ गिफ्ट। ठीक है, ये एक हिबा का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे आपके प्रोविजन दिए गए हैं कि एक जो आपका मुस्लिम व्यक्ति है अपनी पूरी संपत्ति का 25% से ज़्यादा आपका एज अ गिफ्ट नहीं कर सकता। मैं एक अंदाजा ऐसे कोई परसेंटेज, मैं आपको कोई फिक्स परसेंट नहीं बता रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति एक पर्टिकुलर परसेंट से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट नहीं दे सकता। तो उसमें यही कहा गया है कि मुस्लिम विधि का मतलब यह मुस्लिम विधि में जो दान का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जो है अध्याय 7 कवर नहीं करता, या अध्याय 7 के कोई भी प्रावधान मुस्लिम विधि या मुस्लिम कानून विधि पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8 है, ये है आपका ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम यानी अनुयोज्य दावा का अंतरण। ये कवर होता है आपका धारा 130 से लेकर के 137 के मध्य। देखिए सबसे पहले समझिएगा एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। सेक्शन 3 यानी चैप्टर 1 में दिया गया है आपका धारा 3 में आपके एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन चैप्टर 8 में क्या गया है, क्या बताया गया है, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम यानी एक्शनेबल क्लेम का अंतरण बताया गया है। डेफिनेशन किसमें बताया गया है, सेक्शन 3 में, यानी चैप्टर 1 के सेक्शन 3 में आपका एक्शनेबल क्लेम यानी अनुयोज्य दावा के अंतरण का डेफिनेशन बताया गया। देखिए क्लेम फॉर अनसिक्योर्ड डेब्ट, अब ये क्या होता है क्लेम फॉर अनसिक्योर्ड डेब्ट, जैसे देखिए समझ लीजिए मॉर्गेज का केस है। मॉर्गेज के केस में क्या करते हैं, आप किसी को पैसा उधारी देते हैं, उसमें क्या है प्रॉपर्टी, एक मॉर्गेज डीड तैयार होता है, उसमें एक सिक्योरिटी के तौर पर आप उसकी प्रॉपर्टी को रखते हैं। मतलब मॉर्गेज डीड में मेंशन होता है कि मैं अगर पैसा देने में असफल रहा तो उस केस में आप मेरी प्रॉपर्टी को बेच करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक, तो वो क्या हो गया, आपकी सिक्योर डेब्ट हो गई, यानी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के तौर पर आपने अपनी प्रॉपर्टी जमा करी है। लेकिन इसमें जो आपका अनुयोज्य दावा है, एक्शनेबल क्लेम है, इसमें क्या लिखा है, क्लेम फॉर अनसिक्योर डेब्ट। मतलब मान लीजिए दो दोस्त है, मान लीजिए मैंने आपको पैसा उधारी दे दिया बिना किसी सिक्योरिटी के, मतलब हम दोनों आपस में दोस्त हैं तो मैंने आपको पैसा बिना किसी सिक्योरिटी के एज अ गिफ्ट दे दिया, लेकिन हमारे बीच में डीड तैयार हुआ है कि हाँ मैं तुमको एक पैसा इतना इतना पैसा तुमको उधारी दे रहा हूँ, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी मेंशन नहीं की गई है, तो इस केस में ये क्या कौन सा केस है, आपका अनसिक्योर डेब्ट वाला केस। तो इस केस में आपका जो एक्शनेबल क्लेम अप्लाई हो सकता है, आप इसमें कोर्ट में जाकर के अपना क्लेम कर सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले समझिएगा अनसिक्योर्ड डेब्ट के लिए ही आपका एक्शनेबल क्लेम वैलिड होता है, यानी जिस भी आपका जो आपने उधारियां दी है बिना किसी सिक्योरिटी के उसी के लिए ही आप एक्शनेबल क्लेम कर सकते हैं। जैसे मॉर्गेज में आप सिक्योरिटी रखते हैं तो मॉर्गेज आपका एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, जिसमें आपने सिक्योरिटी नहीं रखा है उसी केस में ही आपका एक्शनेबल क्लेम आता है। देखिए अब चालू होता है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, मतलब आप अपने एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है, ये एग्जांपल समझिएगा, अब ये डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, पहले आप एग्जांपल समझ लीजिए होता क्या है। मान लीजिए राम ने श्याम को कुछ पैसे उधार दिए, ठीक, राम ने श्याम को कुछ पैसे उधार दिए, अब श्याम पैसा वापस नहीं कर रहा है, श्याम राम को पैसा वापस करने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो राम है इसके ऊपर एक्शनेबल क्लेम कर सकता है। देखिए राम ने दोस्ती के तौर पर श्याम को कुछ पैसे उधार दे दिए, लेकिन उसके एवज में उसने किसी प्रकार की सिक्योरिटी रखी नहीं है, तो क्या है, अब श्याम पैसा देने के लिए मना कर रहा है तो राम इसके ऊपर एक क्लेम कर सकता है, एक्शनेबल क्लेम कर सकता है। ठीक, तो देखिए चैप्टर 8 क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। तो अब देखिए इसने इसके ऊपर एक्शनेबल क्लेम कर दिया है,
लेकिन अब जो इसने एक्शनेबल क्लेम किया है किसके ऊपर, श्याम के ऊपर, तो ये अपने इस एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर सकता है मोहन को। देखिए कैसा है, मान लीजिए राम ने श्याम को 10,000 रुपये उधारी दिए और श्याम देने से मना कर रहा है, तो क्या किया, कोर्ट पे जाकर के राम ने एक एक्शनेबल क्लेम कर दिया। ठीक, अब पैसा कब मिलेगा, क्या मिलेगा, अता पता नहीं है। लेकिन राम ने, समझ लीजिए, मोहन को जो अपना जो क्लेम उसने किया है उसे ट्रांसफर कर दिया किसे, मोहन को। राम ने अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर दिया मोहन को, यानी अगर ये क्लेम जो है, जो उसने राम ने जो क्लेम किया है श्याम के ऊपर, अगर वो हो गया, मतलब कोर्ट के तरफ से ऑर्डर आ गया, तो पे किसको करेगा, श्याम पे करेगा मोहन को। क्यों, क्योंकि राम ने मोहन को अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर दिया। देखिए एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन दिया गया है चैप्टर 1 में, लेकिन आप अपने एक्शनेबल क्लेम को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं ये बताया गया है चैप्टर 8 में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अब ये होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम यानी अनुयोज्य दावा का अंतरण, पहली बात, विद और विथआउट कंसिडरेशन। विथ और विथआउट कंसिडरेशन मतलब, देखिए जैसे राम क्या है श्याम से, साधारण भाषा में बता रहा हूँ, राम श्याम से अपने पैसा वसूल नहीं कर पा रहा है, उसने क्लेम कर दिया किसके ऊपर, श्याम के ऊपर, श्याम के ऊपर राम ने क्लेम कर दिया, क्योंकि वो क्या है, अब उससे पैसा वसूल नहीं कर पा रहा है श्याम से, तो वो क्या करता है, अपना जो एक्शनेबल क्लेम है वो मोहन को ट्रांसफर कर देता है, यानी मैं अब वसूल नहीं कर पा रहा हूँ पैसा, तो मैं अपनी सारी की सारी जवाबदारी मोहन को दे रहा हूँ। अब मोहन जितनी भी आपका कोर्ट के चक्कर लगाने हैं, कुछ भी करना है, कैसे भी करके तू मेरे को मेरा पैसा ला करके दे। ठीक, अगर तू पैसा ला लिया तो वो पूरा का पूरा पैसा तेरा, मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये क्या हुआ, विथआउट कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन मतलब अगर तूने श्याम से मेरा पैसा निकलवा लिया या कोर्ट के चक्कर लगाया, मतलब मोहन अगर कोर्ट का चक्कर लगा रहा है और केस जीत गया और उसे पैसा मिलता है, तो ये क्या है, राम और श्याम ये भी बोल सकते हैं कि अगर तूने मेरा पैसा मुझे वापस दिलवा दिया तो दोनों का जो वो पैसा मिलेगा वो उसे हम 50-50 कर लेंगे, यानी आधा पैसा मैं रखूंगा आधा पैसा तू रखना। तो ये होता है विथ कंसिडरेशन, यानी प्रतिफल के साथ भी और बिना किसी प्रतिफल के। ठीक, तो ये जो है आपका जो ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम है, ये विथ कंसिडरेशन भी हो सकता है, विथआउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। दूसरा, अगर जो ये आपका राम है, राम अगर श्याम को ट्रांसफर कर रहा है अपना एक्शनेबल क्लेम, तो वो हमेशा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही होगा। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 100 रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी है तभी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अपना जो एक्शनेबल क्लेम किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमेशा वो आपका रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही होगा, इसे याद रखिएगा। अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन या अपवाद है, जैसे मरीन एंड फायर पॉलिसी यानी समुद्री बीमा और आपका अग्नि से संबंधित जो बीमा रहते हैं उससे संबंधित जो आपके दावे हैं उसे एक्शनेबल क्लेम्स के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक, ये अपवाद है, इसे अलग से याद रखिएगा कि किन पॉलिसीज के लिए आप एक्शनेबल क्लेम नहीं ला सकते, तो वो है आपका मरीन और फायर पॉलिसी। इसका जो एक्शनेबल क्लेम है आप उसे किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। ठीक, अब देखिए सेक्शन 131 जिसमें नोटिस के बारे में बताया गया है। देखिए जैसे ये राम और श्याम है, राम ने अपने दोस्त श्याम को कुछ पैसे उधार दिए, अब श्याम क्या है इसे रिटर्न करने के लिए मना कर रहा है या इसे कई समय से वापस नहीं कर रहा है, तो राम ने इसके ऊपर एक्शनेबल क्लेम कर दिया, एक्शनेबल क्लेम कर दिया। अब देखिए राम ने इसके ऊपर कर दिया आपका एक्शनेबल क्लेम, कुछ समय बाद ये कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते राम थक गया, अब राम ने क्या किया अपने इस एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर दिया किसको, मोहन को, यानी अब कोर्ट के चक्कर कौन लगाएगा, मोहन। विथ कंसिडरेशन विथआउट कंसिडरेशन आपको बता चुका हूँ। ठीक, अब देखिए श्याम को कैसे मालूम चलेगा, श्याम किससे उधारी लिया था, राम से। अब जैसे मोहन जाता है श्याम के पास कि मुझे पैसा वापस चाहिए, लेकिन श्याम ने उधार किससे लिया था, राम से, तो ये जो मोहन है वो एक नोटिस लेके जाएगा। नोटिस, नोटिस कैसा होगा, पहली बात तो जो नोटिस है वो रिटर्न फॉर्मेट में होगा, लिखित में होगा एक नोटिस जिसमें राम के सिग्नेचर होंगे,
जिसमें राम के सिग्नेचर होंगे, साथ ही साथ मोहन का सिग्नेचर विथ फुल एड्रेस, पूरे एड्रेस के साथ मोहन का सिग्नेचर होगा। यानी अगर जैसे मोहन ने एक्शनेबल क्लेम ले लिया है राम के पास से, अब ये वसूलने जाता है श्याम के पास, पैसा वसूलने जाता है, तो उसे एक नोटिस लेके जाना पड़ेगा, उसे श्याम के पास एक नोटिस भिजवाएगा कि मैंने इसका जो क्लेम है अपने नाम पे करवा लिया है। उस नोटिस में पहली बात, वो नोटिस लिखित में होना चाहिए जिसमें राम का सिग्नेचर होगा और मोहन का सिग्नेचर विद फुल एड्रेस होगा। तो इसमें नोटिस कैसा होगा इसके बारे में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 136, धारा 136। धारा 136 बोलता है इनकैपेसिटी ऑफ ऑफिसर्स कनेक्टेड विद कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए इसमें क्या बोलता है, इसमें यह बताया गया है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस से जुड़े हुए कोई भी अधिकारी, कोर्ट ऑफ जस्टिस से जुड़े हुए कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार के एक्शनेबल क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए समझ लीजिए, मान लीजिए ये राम और श्याम, इनके मध्य जो है पैसे का लेन देन है और ये इसने इसके ऊपर एक्शनेबल क्लेम कर दिया। अब यहाँ जो मोहन है, मोहन मान लीजिए जज है, उस एक उच्च न्यायालय का जज है, तो उस केस में क्या है, राम जो है मोहन को अपना जो एक्शनेबल क्लेम है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्यों ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आपकी पार्शलिटी हो सकती है, पक्षपात हो सकता है। मान लीजिए इन फ्यूचर केस पहुंचा, राम और श्याम का केस पहुंचता है मोहन के पास, तो मोहन के नाम पे अगर एक्शनेबल क्लेम है तो वहां पे फेयर जस्टिस नहीं होगा, वहां पे पक्षपात हो सकता है। तो इसलिए आपका धारा 136 बोलता है कि इनकैपेसिटी ऑफ ऑफिसर कनेक्टेड विद कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे कोई आपका किसी न्यायालय का जज हो गया, या फॉर एग्जाम्पल सॉलिसिटर जनरल हो गए या अटॉर्नी जनरल हो गए, मतलब एक एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूं, या आपके जिला स्तर पर एसडीएम भी बहुत सारे ऐसे निर्णय लेते, तो ऐसे कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार का एक्शनेबल क्लेम अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, फॉर फेयर जस्टिस, किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो, निर्णय लेने में किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो, इसके लिए किसी भी प्रकार के आपके कोर्ट ऑफ जस्टिस से जुड़े हुए अधिकारी किसी भी प्रकार का एक्शनेबल क्लेम अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करा सकते। ठीक, तो ये सारे के सारे हमारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा एक नए टॉपिक के ऊपर आएगा, टॉपिक कौन सा रहेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।